वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं हेमटेनियस के बारे में। हेमटेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एचएपी जो कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड आपके फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज आज हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिएगा वीडियो मेरे साथ आखिरी तक के। एंड आई रिक्वेस्ट जो भी पर्सन है नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी वीडियोज़ हैं आपको सही टाइम पर मिलते रहें। सो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम बात कर लेते हैं इसे कंटेंट के बारे में कि इसमें जो वीडियो है तो वीडियो में जो है कौन कौन से कंटेंट है, किसके बारे में हमने बात की हुई है। सो गाइस यहाँ पर जो कंटेंट है, सबसे पहला पार्ट है इसका व्हाट इज हेमटेनिक्स, कि हेमटेनिक्स होता क्या है। सेकेंड पार्ट है इसका कि एनीमिया क्या होता है, बिकॉज जो हेमटेनिक्स है तो हेमटेनिक्स जो होता है ये आयरन से रिलेटेड है, एंड आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होता है। सेकेंड वन इज दैट वाई एनीमिया, एनीमिया इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज कहीं ना कहीं पे एनीमिया के अंदर ही हेमटेनिक्स यूज होते हैं, राइट। थर्ड है टाइप्स ऑफ द हेमटेनिक्स, कितने टाइप के हेमटेनिक्स होते हैं जो कि यूज होते हैं। जनरली हमारे पास यहाँ पे आयरन, साइनोकोबालामीन एंड फोलिक एसिड यूज होता है। ओके गाइज, सो उसको हम वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयरन इन द बॉडी, कि बॉडी में आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आफ्टर दैट स्टोरेज ऑफ द आयरन, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, एंड इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, एंड इसके सोर्सेज क्या हैं। ओके सो गाइस इतना सारा कंटेंट जो है हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट इज दैट कि हीमटेनिक्स क्या होता है। नाम जो है सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है कि हीमटेनिक्स क्या होगा। ओके सो गाइस इसको मैंने ईजी बनाने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मे बी शायद कोई बुक्स में मिलता हो या ना मिलता हो, मैंने मेरी तरफ से जरूर मैंशन किया है यहाँ पे समझाने के लिए। तो यहाँ पे दो पार्ट हैं, हीम एंड टेनिक्स, राइट। तो हीम का मतलब क्या होता है, हीम मीन्स आपको पता होगा कि हीम का मतलब होता है आयरन, राइट। एंड टेनिक जो होता है तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया टॉनिक के फॉर्म में। और गाइस टॉनिक क्या होता है, टॉनिक वो होता है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किसी फंक्शन के लिए आपको स्टिमुलेट करता है। ओके बॉडी की एक्टिविटी को जो है वो सही करता है, दैट इज द टॉनिक, राइट। तो यहाँ भी जो है हीम एंड टॉनिक मिला हुआ है। ओके कहने का मतलब है कि जो हीम और टॉनिक है ये दोनों मिलके क्या कर रहे होंगे। ओके ये दोनों मिलके जो है यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस है जो कि ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होंगे, राइट। तो हीमटेनिक्स जो है एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ओके हीमटेनिक्स आर द सब्सटेंस विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, राइट। और यदि ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है तो डेफिनेटली एनीमिक जो कंडीशन होगी वो ट्रीट हो जाएगी, राइट। तो अल्टीमेटली यदि हम कहें कि हीमटेनिक्स का यूज़ कहाँ होता है, तो हीमटेनिक्स का यूज़ होता है इन द एनीमिया, ओके इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसका नाम है वाई एनीमिया। ओके अब देखते हैं कि एनीमिया क्या होता है, राइट। सो एनीमिया की यदि हम बात करें तो एनीमिया लाइक बहुत कॉमन टर्म है जो आपने सुना होगा, जिसमें बहुत लोकल लैंग्वेज कहा जाता है कि ब्लड की कमी हो गई, या कुछ और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बात करें तो हम कहते हैं कि इसमें जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, राइट। अब हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मली मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, दोनों में अलग अलग इसका परसेंटेज होता है, राइट। यदि हम बात करते हैं कि एक फीमेल की, तो फीमेल में 12 से लेकर 14 मिलीग्राम, एंड यदि एक मेल की बात करते हैं तो 14 to 18 या 16 मिलीग्राम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके इससे कम यदि वैल्यू होती है तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी होना ही कहलाता है आपका एनीमिया। बट द रीज़न इज दैट कि हीमोग्लोबिन कम क्यों हो रहा है, वॉट इज द रीज़न बिहाइंड दैट। ओके तो हमें उस रीज़न को फाइंड आउट करना है, उसके बाद में इसमें जो है डेफिशिएंसी स्टेज यदि होती है तो हमें हीमटेनिक्स देना है, राइट। तो पहले जब भी आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको टेस्टिंग के लिए कहता है, आपको पता करने के लिए कहता है कि एग्जैक्टली आपको एनीमिया जो है वो किस रीज़न से हुआ है। ओके सो देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनीमिया भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहला इसमें आता है कि जब भी RBCs के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन में यदि इम्बैलेंस हो जाता है, राइट। अब एनीमिया हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, दोनों में इम्बैलेंस हो गया। अभी इम्बैलेंस क्यों हुआ, राइट। इसके कुछ रीजंस हैं। इसके रीज़न है, पहला है ब्लड लॉस, राइट। इन द सेंस कि लाइक ब्लड लॉस हो रहा है आपकी बॉडी से, चाहे वो एक्यूट लेवल पे हो रहा है या क्रोनिक लेवल पे। एक्यूट जो बिल्कुल तुरंत होता है, एंड क्रोनिक जो काफ़ी टाइम से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंड द क्रोनिक। तो कहीं ना कहीं से ब्लड लॉस हो रहा होगा। सेकेंड, इम्पेयर्ड रेड सेल फॉर्मेशन ड्यू टू। ओके अब जो RBCs हैं, तो RBCs जो बन रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इम्पेयरमेंट हो गया है। ओके इम्पेयरमेंट कैसे, फर्स्ट है डेफिशिएंसी स्टेट, राइट। RBC के बनने में
आयरन हेल्प करता है बिकॉज आयरन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द हीम। ओके, हीम का जो मेन कंपोनेंट है वो आयरन है। यदि आयरन नहीं होगा, डेफिशिएंसी होगी, तो डेफिनेटली आरबीसीज नहीं बनेगी। ओके, सेकेंड होता है विटामिन B12, साइनोकोबालामिन जिसको हम कहते हैं, एंड फोलिक एसिड। ये तीनों कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि हेल्प करते हैं एक आरबीसी की फॉर्मेशन होने के लिए। यदि यही डेफिशिएंट होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे आरबीसीज नहीं बनेगी। ओके, नेक्स्ट है बोन मेरो डिप्रेशन, राइट। अब आरबीसी जो बनने का प्लेस होता है वो होता है बोन मेरो, बट यहाँ सब चीज़ें तो प्रेजेंट है। ओके, आयरन भी प्रेजेंट है, फॉलिक एसिड भी प्रेजेंट है, विटामिन B12 भी प्रेजेंट है, बट जो बनाने वाला है यदि वही डिस्टर्ब हो जाए तो बनाने वाला जो है वो बना ही नहीं रहा है। मतलब जो बोन मेरो है वो प्रॉपर आरबीसीज का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है। इसको हम कहते हैं हाइपोप्लास्टिक एनीमिया, राइट। हाइपो का मतलब होता है कि थोड़ा सा कम हो रहा है प्रोडक्शन, राइट। और यदि यहीं पर ए प्लास्टिक हो गया, मतलब यहाँ कुछ भी प्रोडक्शन आरबीसीज का नहीं हो रहा है। ओके, सो हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, अब एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है यदि इसके डेफिशिएंसी हो जाए तो एक कहता है ना कि कैटालिस्ट का काम करने वाला कोई होना चाहिए, स्टिमुलेशन का काम करने वाला होना चाहिए, एरिथ्रोपोइटिन वही करता है। एरिथ्रोपोइटिन यदि नहीं होगा तो यहाँ से आरबीसीज का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। ओके, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, अब आरबीसीज जो है वो बन तो रही है बट इसका जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। ओके, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है मतलब हीम का लिसिस हो रहा है, और हीम का लिसिस होता है इसी को तो हम कहते हैं हीमोलाइटिक। ओके, और हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, दैट्स वाई इट इज एनीमिया। तो हम यहाँ क्या कहेंगे इसको, हीमोलाइटिक एनीमिया। आर यू गेटिंग मी, दिस इज कॉल्ड द हीमोलाइटिक एनीमिया। सो गाइज, कई टाइप के हीमाटेनिक्स होते हैं। ओके, हीमाटेनिक्स में हम यहाँ पे तीन ही तरह के हीमाटेनिक्स की बात करेंगे, जिसका नाम है आयरन, देन फॉलिक एसिड, देन विटामिन B12। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आयरन की हम बात करेंगे। ओके, उसके बाद में हम अलग सेगमेंट की बात करेंगे। तो पहला होता है आयरन। अब आयरन की यदि हम बात करें तो लाइक कुछ फीलिंग आती है ना कि आयरन मैन, ओके, लोहे से बना हुआ आदमी, ओके, स्टील से बनी हुई चीज़ें, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है। ओके, तो लोहा जो होता है, अब कहने को आप ये कह सकते हो कि हम लोहे की कोई भी बर्तन में खाते हैं तो हमें जो है लोहे की कमी नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी, बिकॉज आपके बॉडी में आयरन जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ भी आयरन जो है ना आपकी बॉडी में जाना चाहिए, बट यदि डेफिशिएंट होगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है उसके सब्स्टिट्यूट लेने पड़ेंगे। ओके, तभी आपकी बॉडी में आयरन का फुलफिलमेंट होगा। आर यू गेटिंग मी, तो आयरन जो होता है इसका एक पुराना नाम है जिसको हम बोलते हैं लौह भस्म, राइट। लौह भस्म जो होता है एंशियंट मेडिसिन में यूज़ किया जाता था, इवन आज भी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो यदि हम बात करें कि आयरन जो होता है ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बॉडी का, बिकॉज आरबीसी जो है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके बिना बिल्कुल काम नहीं हो सकता। इसलिए इसको बनाने वाली जो हीम है और हीम को बनाने वाला जो आयरन है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट टोटल बॉडी आयरन, यदि हम एडल्ट की बात करते हैं तो उसमें टोटल बॉडी आयरन जो होता है वो 2.5 से लेके 5 ग्राम तक होता है। ओके, एवरेज 3.5 ग्राम के आसपास एक होता है, 3.5 to 4 ग्राम आप ले सकते हो एवरेज एडल्ट में, 70 kg के पर्सन में 4 ग्राम के आसपास जो होता है आयरन प्रेजेंट होता है, राइट। नाउ इट इज मोर इन मैन, 50 mg/kg, एंड वीमेन में 38 mg/kg। डेफिनेटली यहाँ पे मेन में जो होता है ये ज़्यादा होता है, वीमेन में जो है ये कम होता है। ओके, सो अभी भी हम बात करते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ओके, क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसे कई सारे टिश्यूज़ हैं जहाँ पे ये स्टोर हो जाता है। ओके, तो किस टिश्यू में कितना स्टोर होना चाहिए। ओके, या कौन सा आयरन का मॉलिक्यूल है वो कितना यूटिलाइज होता है, किस परसेंट रेशियो में यूटिलाइज होता है। ओके, तो पहला हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में 66% यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे जाता है 66%। देन आयरन, आयरन जो होता है ये फेरेटिन फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ओके, एंड 25% हीमोस्टेरिन। ओके, 25% हीमोस्टेरिन का मतलब होता है हीमोस्टेरिन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जो कि जिसको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते। ओके, मतलब यदि ये टूटेगा भी तो टूटने के बाद भी हमको यहाँ पे कोई भी फेरेटिन नहीं देने वाला। ओके, नहीं आयरन देने वाला। ओके, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन मतलब मसल्स की बात करें। सो गाइज, यहाँ पे एक टर्म है मायो, मायो मतलब होता है मसल्स। ओके, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो मायोग्लोबिन जो है इसमें 3% डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देन पैरेन्काइमल आयरन जो होता है, मतलब एंजाइम की यदि हम बात करते हैं तो एंजाइम में ये होता है 6% के आसपास। ओके, सो ये है आपका आयरन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द बॉडी।
सो गाइस चलिए देख लेते हैं कि आयरन जो होता है वो कैसे स्टोरेज किया जाता है उसका बॉडी के अंदर। ओके वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो आयरन जो होता है ये फेरिक फॉर्म में स्टोर होता है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द एपोफेरेटिन। राइट नाउ ये जो होता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स, राइट ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टोरेज पार्ट है। ओके नाउ यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दिख रही होगी कि यह एपोफेरेटिन जो है ये मिलता है फेरिक आयन से। ओके और ये दोनों जो है मिलके बनाते हैं फेरेटिन। ओके फेरेटिन यही जब एग्रीगेट होता है ओके तो ये बनाता है हिमोस्टेरिन। अब हिमोस्टेरिन जो होता है ये नॉन रीयूटिलाइजेबल होता है। ओके तो गाइस यहाँ पे फेरिक फॉर्म जो होता है वो यूज़ होता है आयरन का। ओके एंड ये एक एपोफेरेटिन के साथ में अटैच होता है और फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। ओके सो हम बात करेंगे कि अब जो हीमोग्लोबिन है ओके तो कितना है हीमोग्लोबिन है, मतलब एक हीम का मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने आयरन प्रेजेंट होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। ओके तो एक हीमोग्लोबिन जो होता है, मतलब यदि हम बात करें आरबीसीज की, तो आरबीसीज के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। और एक हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो हीम होता है ना, हीम प्लस ग्लोबिन दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? हीमोग्लोबिन। और एक हीम में चार आयरन मॉलिक्यूल होते हैं। ये चार आयरन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑक्सीजन को, मतलब चार ऑक्सीजन को ये ट्रैप करते हैं अपने साथ। और एक हीम का जो मॉलिक्यूल होता है ये चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ओवरऑल पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ओके तो आरबीसीज इस तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है टूवर्ड द टिश्यू एंड द सेल। ओके अब हम बात करेंगे यहाँ कि इसका डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है। ओके अब डेली रिक्वायरमेंट यदि हम बात करें कि एडल्ट के लिए, उसके लिए अलग होगा, एक बच्चे के लिए उसके लिए अलग होगा। ओके एक वुमेन के लिए हम बात करें जो कि प्रेगनेंसी में है उसको अलग चाहिए। ओके आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी चलती हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे आयरन ज़्यादा चाहिए होगा। ओके तो डिपेंड करता है कि किसको कितना आयरन चाहिए। ओके तो यदि हम पहले बात करें यहाँ पे एक मैन की, एक एडल्ट मैन की, एक एडल्ट पर्सन की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे उसको जो आयरन चाहिए होता है 0.5 to 1 mg चाहिए होता है, मतलब 30 माइक्रोग्राम पर kg। ओके यही बात करें एक गर्ल की, एडल्ट फीमेल की, ओके जो कि नॉर्मल है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उसमें 1 से 2 mg ये दिया जाता है। ओके मतलब इतनी इसकी ज़रूरत होती है पर डे के हिसाब से। एक इन्फेंट 60 माइक्रोग्राम पर kg। ओके सो गैस थोड़ा वो डिफरेंस है एक न्यूनेट के अंदर, एक इन्फेंट के अंदर, एक चाइल्ड के अंदर और एक एडल्ट के अंदर। ओके होप सो आपको पता होगा। ओके न्यूनेट जो होता है बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, चाइल्ड जो होता है ये अप टू द 1 ईयर तक होता है चाइल्ड। ओके इसके बाद जो है 12 ईयर से जो है इसका एडोलिसेंस पीरियड चालू हो जाता है। ओके जिसमें प्यूबर्टी केज हम उसको कहते हैं। राइट इसके बाद हम बात करेंगे एक चिल्ड्रन के लिए, तो चिल्ड्रन में 25 माइक्रोग्राम पर kg चाहिए होता है। एंड एक प्रेग्नेंट वीमेन के लिए इट इज 3 to 5 mg, राइट 3 से 5 mg यहाँ पे चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं 80 माइक्रोग्राम पर kg। ओके गाइज तो गाइज दिस इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द आयरन ओके फॉर एन इंडिविजुअल। ओके सो हम बात करेंगे अब यहाँ पे इसके कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आयरन आप ले सकते हो। आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो है नॉन नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं जिससे कि आयरन मिल सकते हैं। डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है, क्योंकि हर पर्सन नॉन वेज नहीं खा सकता। ओके सो गाइज डिस्कस करते हैं, यदि हम सबसे बेटर वे में बात करें सबसे रिच सोर्स क्या है आयरन का, तो सबसे रिच सोर्स में यहाँ पे आता है आपका लिवर, एग योक, ऑयस्टर, ड्राई बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, वीट जर्म एंड ईस्ट। ओके यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं आप देख पा रहे होगे। ओके तो इसे कॉमन चीज़ है, आप काफ़ी पहले से सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हो। राइट अब बात करते हैं कि यदि मीडियम की, ओके तो मीडियम सोर्स में यहाँ पे आता है मीट, चिकन, फिश, स्पाइनिच, बनाना एंड एप्पल। ओके और सबसे पुअर की यदि हम बात करें कि पुअर किस में होता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, दूध और उससे बने हुए उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड रूट वेजिटेबल्स। सो गाइज होप सो कि आपको आज का जो टॉपिक है हेमाटेनिक्स ये आपको समझ में आया हो, बिकॉज अब इसके आगे जो है हम आयरन के एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं पार्ट टू के अंदर। तो गाइज मिस मत करिएगा ओके बिकॉज ये एक सीरीज के फॉर्म में मैंने स्टार्ट किया है। ओके सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।